नमस्कार दोस्तों, जब भी योग की चर्चा होती है तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि कुछ लोग योग को मानते हैं, कुछ लोग योग को नहीं मानते हैं। इसमें धर्म आड़े आ जाता है और आरोप लगता है कि हमारे जो इस्लाम को मानने वाले बंधु हैं, भाई हैं, वह योग को नहीं मानते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे योगी से मिलवाने जा रहा हूँ जो पूरी तरह से योगाचार्य हैं और वह एक मुसलमान होते हुए भी जिस तरह से योग का और योग के सारे अंगों का पालन करते हैं, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद असगर अहमद की, जो पेशे से शिक्षक हैं और एक अच्छे योगाभ्यासी भी हैं। उनका आप योगाभ्यास देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई इतना पारंगत हो सकता है। वह इस धारणा को तोड़ रहे हैं, वह इस मिथक को तोड़ रहे हैं कि अन्य धर्मों के लोग योग को नहीं मानते। मित्रों, योग की तो यही परिकल्पना है कि सबको समाहित कर ले। उनके द्वारा मंत्रों का उच्चारण, उनके द्वारा जल नेति, योगाभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास न सिर्फ दूसरे लोगों को प्रेरित कर रहा है बल्कि एक सामाजिक संदेश भी दे रहा है कि योग मिलन का नाम है। आइए मिलते हैं मोहम्मद असगर जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद असगर, जनपद अमेठी से। योग सबके लिए, सबका है, सबके लिए है। योग का शाब्दिक अर्थ ही है जोड़ना। कुछ लोग जो ये मानते हैं कि किसी धर्म विशेष से है तो ये गलत है। योग के अंदर सर्वधर्म समभाव की भावना है, से ओतप्रोत है। मित्रों, मैंने अपने बचपन से 10 वर्ष की अवस्था से योग प्रारंभ किया हूँ और चाहता हूँ कि ये सबके लिए योग कराया जाए। स्कूली बच्चों के लिए भी योग बहुत ज़रूरी है। साथ साथ धर्म और मजहब से हटकर योग को एक हम ये कहेंगे कि योग रोग जो है किसी धर्म और जात को पूछ कर नहीं आता है। तो यदि योग करने से रोग ठीक होता है तो वो सबके लिए है। और योग गीता में भी कहा गया है, योगा कर्मश कौशलम। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि ये योग विश्व बंधुत्व की भावना देता है और योग हमारे जो मुसलमान भाई हैं, मेरे धर्म और मजहब के लोग जो मानने वाले हैं, वो भी जो 5 वक्त का नमाज है योग से ही रिलेटेड है। उसमें पादहस्तासन, वज्रासन आदि जो क्रियाएं, जो हम झुकते हैं, रुकू में जाते हैं तो पादहस्तासन होता है, और जब हम बैठक में होते हैं वो वज्रासन होता है। तो उसका भी साइंटिफिक रीज़न है, उसका भी वैज्ञानिक रीज़न है। इसलिए योग सबके लिए है, किसी धर्म और मजहब के लिए नहीं विशेष। इसलिए सब लोग आए, इसको माने और योग करें, स्वस्थ रहें। और योग का जो वास्तविक रूप है, आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार कराना, योग का मूल मंत्र है। तो ये हम तो ये कहेंगे कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए, खुदा तक पहुंचने के लिए बहुत शॉर्टकट रास्ता है योग। इसलिए इसको सब लोग अपनाएं।